क्या कर रहे भाई जी, भाई मलिक साहब, विरम सिंह जी तथा मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आज बहुत दिनों में आप लोगों के बीच में आया हूँ। और अगर हरिंदर मलिक साहब का चुनाव ना होता तो मैं अब भी नहीं आता, सच्चाई बात ये है। क्योंकि बहुत मेरे बहुत परम मित्र हैं। सच्चाई की बात तो ये विरम सिंह ने कही है कि दो नेता थे मुजफ्फरनगर में, और बहुत नेता रहे, मनोवर और हरिंदर मलिक। मनोवर बीच में नहीं रहा, लेकिन हरिंदर मलिक वास्तविक किसानों के नेता और बचपन से विद्यार्थी टाइम से नेता है। खैर ये बातें दिगर हैं, लेकिन अब देश की परिस्थिति देखते हुए आप लोग देख रहे होंगे, अब टीवी पर तो बहुत आते हैं लेकिन यूट्यूब पर मोबाइल पर देखते हैं। आज तीन बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं, बहुत बड़े फैसले। ईवीएम का जो मामला मान लिया गया, उससे होगा जो मशीन मिलान होगा। और दो और फैसले आए हैं, उन पर भी दो तीन तमाचे लगे हैं, तीन तमाचे लगे हैं। सरकार जा रही है और अब आगे आने वाला टाइम उसका नहीं होगा। जुमलों से सरकार नहीं चलती, विकास कोई नहीं हुआ, ना शिक्षा का हुआ, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, ना कोई अस्पताल खोला। और कोई कहीं किसानों को मुझे बताओ, 10 साल से किसानों की फसल का भाव बढ़ा है मुझे बताओ, नहीं बढ़ा है ना। नहीं जी, बता नहीं। आप याद करो, एक जनसंघ कहा करते थे इसको, दो सींचा आया करती थी मलिक साहब, आडवाणी जी की अटल बिहारी वाजपेयी की, तो बड़े बूढ़े बालकों को भगा देते, पूंजीपति आ गए, भगाओ बनी आ दिए। अब इन्होंने धीरे धीरे करके आप लोगों तक पकड़ बना दी। ये बनियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, और इसको हटाओ तब आप लोगों का भला होगा। आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, विकास होगा। विकास से काम चलता, मंदिर पूजा से काम नहीं चलता। पूजा करो, अपने घर बैठ के पूजा करो। विवेकानंद स्वामी दयानंद जैसे बेकार हो गए क्या? उनके विचार बेकार है क्या? ये नहीं कह रहे, मानो, भगवान को मानो, सबको मानो, पर ऐसे नहीं चलता। धर्म के नाम पर लड़ाई करवा देंगे, तो मेरा यही कहना। और मलिक साहब को वोट नहीं, वो वोट मुझे दोगे, आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करना है मुझे। और अपना अपनी अगर बगल में भी दिलवाओ, ऐसा ही है जी।